हेलो नमस्कार, मैं सुनी मिश्रा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ईशा पार्टी पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल। भले ही हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर देखेंगे लेकिन हम लोग लेने वाले हैं वाइड नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल में आता है क्या है, इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स द हाइस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, डिग्री डिग्री बोलते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल में जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, इसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगा मींस क्या है, इसमें पावर कितना है, टू। अगर जो हाईएस्ट पावर है वो टू है तो इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री हो जाएगा टू, सेकेंड डिग्री का होगा ये पॉलिनोमियल। अब समझ गए मीन्स क्या है कि जो हाईएस्ट पावर रहेगा मीन्स एक्स या वाई या कोई भी चीज़ का जो वेरिएबल है उसका पावर जितना हाईएस्ट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ बताया गया है फॉर एग्जांपल 4x+2 इज ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री कितना है, वन। जो कि यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि 4x+2 है एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इस लीनियर पॉलिनोमियल में जो एक्स का पावर है कितना है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या है इसका पावर वन है, तो ये कितना डिग्री का हो गया, वन डिग्री का हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि 2y²-3y+4 इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ डिग्री टू। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, वाई वेरिएबल है। मैंने क्या बताया कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, टी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, उसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसका जो डिग्री है वो क्या है, टू है। मीन्स इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितना है, टू है। आगे आते हैं क्या है थर्ड डिग्री में, जैसे कि यहाँ पहले हम लोग देख लिए हैं जितना हाईएस्ट पावर रहता है, तो बिना देखे हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि एक्स पर पावर हाईएस्ट यहाँ कितना है, एक्स पर पावर 3 है, मीन्स डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। अब आते हैं क्या कि जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कितना, √x+2 और 1/x²+2x+3 इज नॉट ए पॉलिनोमियल। मीन्स क्या है कि पॉलिनोमियल तभी रहेगा जब एक लाइन में हो। ठीक है, पॉलिनोमियल तभी रहेगा जब एक लाइन में हो, और उसमें भी क्या है कि एक्स पर पावर जो है वो होल में रहना चाहिए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स पर पावर 1/2 हो, एक्स पर पावर 1/3 है, एक्स पर पावर 1/4 हो, इस तरह करके नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हम लोग सबसे पहले उसी को बोलेंगे जो कि होल नंबर में हो, जैसे कि एक्स पर पावर 5, एक्स पर पावर 10। ठीक है, ये सब पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते क्या है कि 1/x²। ठीक है, एक्स पर पावर 2+2x+3। अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि 1/ में है, मीन्स बटे में भी जो रहेगा, जो बाय में डिवाइड में रहेगा वो भी क्या होना चाहिए कि वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, जो डिवाइड में रहेगा उसको भी हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। मीन्स यहाँ से हम लोग को पता चला कि सबसे पहले तो न्यूमरेटर में रहना चाहिए, और न्यूमरेटर में भी क्या है, रूट रूट में नहीं रहना चाहिए। मीन्स क्या है कि पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, पावर कोई भी फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, और जो डिवाइड है उसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड अ लीनियर। हम बता चुके हैं पहले कि एक डिग्री का जब पॉलिनोमियल होगा तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, जैसे कि 4x+2 इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ बोला है कि फॉर एग्जाम्पल 2x-3, 3z+4 एक्सेट्रा आर ऑल लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बोलते हैं क्या कि पॉलिनोमियल सच एज 2x+5-x² और x³+1 आर नॉट ए लीनियर पॉलिनोमियल। मीन्स क्या, यहाँ तो दिख रहा है कि दो है, लेकिन मैंने क्या बताया कि जो पावर है एक्स का, एक्स का पावर वन होना चाहिए, और जो वन पावर है वो भी हाईएस्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पावर वन है और एक्स स्क्वायर भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या है, इसका हाईएस्ट पावर ही एक्स का कितना होना चाहिए, वन रहना चाहिए, तब वो हम लोग बोलेंगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं क्या है कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल रहेगा, जैसे कि एक्स पर पावर अगर 2 रहा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये जो क्वाड्रेट है, वर्ड क्वाड्रेट, जिसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर, यहाँ से पता चल गया जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आता है उसमें जो क्वाड्रेट है उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर। जैसे कि 2x²+3x-2/5, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया।
फिर हम लोग आगे आते हैं, क्या है कि पोलोमियल ऑफ डिग्री थ्री इज कॉल्ड क्यूबिक पोलोमियल। सम एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 2 - x^3, जो इसका हाइस्ट पावर कितना है, एक्स का 3 है। फिर आगे आते हैं क्या है, x^3। फिर आगे आते हैं क्या है कि 3 - x^2 + 3 - x^2 + x³। इस जो एक्स का हाइस्ट पावर है वो कितना है, 3 है, मतलब डिग्री 3 है। मीन्स क्या, जिसका भी हाइस्ट पावर या तो जिसे हम लोग बोलेंगे कि डिग्री 3 का पोलोमियल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलोमियल। द जीरो ऑफ द लिनियर पोलोमियल, फॉर एग्जाम्पल के इज अ जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू, जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्या, लिनियर पोलोमियल क्या है, 2x + 3 हो गया। देन जो पी के है, जो पोलोमियल के है, इज इक्वल टू 0 होगा, जो कि देगा क्या, 2k + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि निकालेंगे, यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे k का वैल्यू, तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग अगर k का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे कि दिया होगा 2k + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2k तो यहाँ रह गया इज इक्वल टू, अब प्लस 3 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। अब यहाँ से फिर k का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/2, क्योंकि ये 2 कहाँ है, ये मल्टीपल में है k के, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, -3/2, -3/2 हो गया k का वैल्यू। इन जनरल इफ द इफ k इज अ जीरो ऑफ पी एक्स ax + b, देन पी के इज इक्वल टू ak + b। ठीक है, ये लीनियर पोलोमियल हो गया, दैट इज, सो द जीरो ऑफ द लीनियर पोलोमियल ax + b इज, अभी इसका फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया कि जब लीनियर पोलिनोमियल होगा ना, जब जब लीनियर पोलिनोमियल होगा तो क्या हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, -b/a। मीन्स क्या है, माइनस तो हो गया, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ किसका, कोफिशियंट ऑफ किसका, एक्स। मीन्स अगर इसमें देखेंगे हम लोग 2x + 3 में, 2x + 3 में, जब 2x + 3 में देखेंगे तो b क्या आ गया, बी आ गया आपका कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म कितना हो गया, -3। ठीक है, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, माइनस कॉन्स्टेंट है, तो माइनस कॉन्स्टेंट मीन्स क्या हो गया, -3 हो गया, बटे में क्या हो जाएगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स। यहाँ कोफिशियंट ऑफ एक्स मीन्स क्या हो गया कि एक्स के सामने क्या है, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट टर्म है एक्स के सामने वो क्या है, यहाँ 2 है, मीन्स क्या, -3/2 हो गया। समझ में आया, इसका फॉर्मूला इस रहा है। आगे चलते हैं अब हम लोग, अब आगे आते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलोमियल। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ में हम लोग पोलोमियल को कैसे शो करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये मेरा एक पोलोमियल का लाइन खींचा हुआ है, उस पोलोमियल का क्या है, y इज इक्वल टू 2x + 3। y इज इक्वल टू कितना है, 2x + 3। तो हम लोग देखते हैं क्या है, y इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x + 3। अब यहाँ से हम लोग, ये पोलोमियल तो हो गया, अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो हम लोग ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे कि यहाँ इक्वेशन दिया हुआ क्या, y इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि एक्स वाई का एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक्स वाई का एक टेबल बनाएंगे, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, +3 मीन्स क्या, 3 हो गया। मीन्स अगर एक्स 0 रहेगा तो वाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। और अगर y 0 रहा, y अगर 0 रहा तो क्या हो जाएगा, y 0 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 = 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x = -3, और यहाँ से आ सकता है x = -3/2। मीन्स क्या है, y अगर 0 रहा तो x कितना होगा, -3/2। ठीक है, मीन्स हमारे पास दो वैल्यू आया, एक आया क्या, 0, क्या आया, 0, 3 एंड -3/2 और 0। ठीक है, दो आया, अब देखिए 0 और 3 यहाँ पे है और -3 और 0 यहाँ पे है। मीन्स क्या है, इस दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करेगी वही इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x + 3 पोलोमियल। मीन्स अगर पूछा जाएगा
कि ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन की लाइन है, तो y इज इक्वल टू 2x + 3 की लाइन है, ठीक है। इसी तरह से ग्राफ बनती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइए वैसे वैसे मैं सिखाते जाऊँगा जितना हो सकेगा इसके बारे में। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग पुट करेंगे एक्स और वाई का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ क्या, जैसे यहाँ यहाँ भी दिया हुआ क्या, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x - 4 का। यहाँ भी हम लोग पुट कर सकते हैं, एक बार जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, माइनस 4 हो गया। मतलब क्या है, एक्स जी अगर जीरो रहेगा तो y कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग पुट करके देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ बन जाएगी। आगे आते हैं, हमारे पास ये 6 ग्राफ दिया हुआ है, 6 ग्राफ्स, ठीक है। अब 6 ग्राफ में हम लोग को निकालना क्या है कि कितना बार किसको टच किया। इसमें क्या है, वाई को टच किया है, इसमें किसी को टच नहीं किया है, इसमें क्या है एक्स को 2 बार टच किया है, इसमें एक्स को 2 बार टच किया है, और एक बार किसको टच किया है, वाई एक्सिस को, और इसमें भी एक बार वाई एक्सिस को, इसमें एक बार वाई एक्सिस और एक बार एक्स एक्सिस को, इसमें एक बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते क्या है कि कितने बार एक्स एक्सिस को कट किया है या टच किया है, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए बोलेगा, हम लोग आगे देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा कोई भी ग्राफ का। यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, ये 0 होगा। वाई, क्योंकि यहाँ जो एक्स एक्सिस है ना उसको एक बार भी टच नहीं कर रही है, ठीक है, इसलिए इसका 0 0 0 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी किसी को टच नहीं किया, एक्स एक्सिस तो छोड़िए, वाई एक्सिस को भी टच नहीं किया है, तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ तो कितना 0 होगा, 0 0 होगा। और यहाँ पे देखिए एक्स को एक बार और वाई को भी एक बार, मीन्स इसका कितना हो जाएगा, 2 0 हो जाएंगे, और इस ग्राफ का भी 2 0 हो जाएगा, इसका 1 0, इसका भी 1 0, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है ना यहाँ पे एक बार टच हुआ है, यहाँ भी एक बार टच हुआ है, और यहाँ 2 बार टच हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए कि इस ग्राफ में कितना जीरोज है, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे भी वही चीज़ बताया है जो कि y बराबर में px दिया हुआ है, जहाँ की px जो है एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, कि ठीक है x एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है, यहाँ px है ना तो x एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है। अगर x इज इक्वल टू py रहता तो y एक्सिस हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना है, x एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है या तो कट कर रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो ग्राफ है उसमें देखते हैं कि x एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो इसका कितना जीरोज हो जाएगी, 1। यहाँ पे x एक्सिस को 2 बार टच कर रही है लाइन, तो यहाँ पे कितना जीरोज हो जाएगी, 2। यहाँ पे 3 बार, तो यहाँ कितना जीरो होगा, 3 0 होगा। यहाँ पे सिर्फ 1 0 होगा क्योंकि एक बार टच कर रहा है x एक्सिस को, तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 0, और यहाँ पे 1 2 3 और 4, मीन्स क्या है x एक्सिस को 4 बार टच कर रहा है, तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ जीरोज हो गए, 4, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे में क्या है कि एक्सरसाइज 2.1 में दिया हुआ है, जो हम लोग अभी सॉल्व कर चुके हैं, कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ किसका, पी एक्स का है। तो इसमें भी निकालना क्या है, एक्स एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है। तो यहाँ देखिए तो एक बार भी टच कर रहा है क्या, नहीं, यहाँ एक बार भी टच नहीं कर रहा है, मीन्स क्या है नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे सिर्फ एक बार टच कर रहा है, मीन्स नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएंगे, 1। यहाँ पे 1 2 और 3, 3 बार टच कर रही है, मीन्स नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 3 होगा। यहाँ पे 2 बार टच कर रहा है, मीन्स नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बार टच कर रहा है, मीन्स नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे कितना बार टच कर रहा है, 1 2 3 बार टच कर रहा है, मीन्स यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 3। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें, उसके बाद शेयर करें एंड हिट द लाइक बटन, ठीक है। अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट भी करें, जरूर करें, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत है, अगर किन्हीं को समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।